खबरों में हैदम, सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज देखें हर खबर कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कर लिए 9685369684 पर। तो चलिए देखते हैं आज की। और सायदा भी और मेरा भाई जहीर खान मोमिन इंडियन एयरफोर्स में है और मेरी बहन रहीसा बेगम जो कि अपने ससुराल से आके मुझे परेशान कर रहे हैं, किसी वकील ने उनको एडवाइस दिया है। तो मेरे घर में वो लोग अपना सामान रख लिए हैं। एक छोटा सा टपरा है जिसमें एक कमरा है, छोटा सा एक पर्ची है और मैं अपने दो बच्चों के साथ 4 साल से वहाँ रहती थी। तो वो लोग जबरदस्ती मारपीट किए हैं मेरे बच्चों के साथ। मैंने FIR बम्हनी थाने में किया तो बम्हनी थाने में मेरी FIR लिखा गया, लेकिन मेरे घर में घुस के वो लोग मेरे बच्चों को मारपीट किए और मेरी बच्ची का मेडिकल भी हुआ था। तो उन्होंने 223 और 494 ऐसी कुछ धारा लगाया, जबकि वो मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी सी बच्ची है मेरी बड़ी वाली बेटी, इसके साथ मारपीट किए थे और मुझे भी मारा, हाथ में मारा तो यहाँ पर फूल गया है और यहाँ सर में बहुत सारे बाल उखेड़ दिया उन्होंने और झोमट के मारा। इसके बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया और मेरा घर को ना मुझे वापस दिलाया। बोले, मैंने बोला उनको कि हमारा घर सर खाली करवा दो। उनके दो घर ऑलरेडी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसमें वो ताला लगा के और मेरे घर में अवैध रूप से कब्जा कर लिए, जबकि मैं वहाँ 4 साल से रहती थी और वो 4 दिन के आए हैं और मुझे भगा दिए, मेरा सामान तोड़ फोड़ किए और सारे मोहल्ला के लोग भी तमाशा देखे। मेरे बयान, मेरे गवाह ने जाके थाने में बयान दिया। इसके बाद भी प्रशासन ने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया। आज मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ आई हूँ न्याय मांगने, क्योंकि मुझे मेरा घर दिलाया जाए। मैं विधवा औरत हूँ, मजदूरी करती हूँ और मैं गरीब महिला हूँ और वो लोग बोलते हैं कि हम पैसा वाले हैं, हमसे कोई नहीं जीत पाएगा। मुझे मेरा घर दिलाया जाए, मेरा सिर्फ यही निवेदन है ताकि मैं अपने बच्चों का वहाँ रख के पालन पोषण कर सकूँ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक